हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं थ्री फेस कनेक्शन की, घरेलू थ्री फेस कनेक्शन। तो थ्री फेस कनेक्शन में कितना पैसा हमें देना होगा, तो देखिए कनेक्शन के लिए आपको अप्लाई के लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके और वहाँ से आप देख सकते हैं कि अप्लाई आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री फेस कनेक्शन घरेलू। देखिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमारे अप्लाइंसेस थ्री फेस के हैं या हमें लोड ज़्यादा है तो हमको थ्री फेस कनेक्शन लेना पड़ता है। नॉर्मली 3 किलोवाट तक हम सिंगल फेस कनेक्शन ले सकते हैं। 3 किलोवाट के ऊपर अगर हमें यूज़ करना है तो फिर हमको थ्री फेस कनेक्शन लेना होगा। थ्री फेस कनेक्शन में देखिए हमें 3 चीज़ें भरनी होती हैं। पहला तो है रजिस्ट्रेशन, उसका पैसा हमें जमा करना होता है। फिर होता है सप्लाई अफोर्डिंग, उसका पैसा हमें जमा होता है। और फिर होता है सिक्योरिटी का पैसा हमें जमा करना पड़ता है, जो बिजली विभाग के पास हमारा पैसा जमा रहता है। वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा जब आप कनेक्शन कटाएंगे, तो वो आपको वापस रिटर्न मिल जाता है। तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब हम कनेक्शन ख़त्म कराएंगे तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन जब हम कराएंगे, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप एक बात ध्यान रखें कि यदि आपका परिसर लाइन से दूर है तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। मतलब अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, आपका मकान पूरा बना हुआ नहीं है या पोल दूर है, लाइन दूर है आपके 150 फुट से अधिक है या 200 फुट से अधिक है, तो वहाँ पे कनेक्शन आपको नहीं दिया जाता, उस कंडीशन में वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कितने का कराना होगा, देखिए रजिस्ट्रेशन सिंगल फेस अगर हम कनेक्शन लेते हैं तो उसका 420 रुपये का होता है, और थ्री फेस हम लेंगे तो हमें इसके 2500 रुपये जमा करने हैं। मतलब 2500 रुपये हमें रजिस्ट्रेशन के देने हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर हमें डिमांड नोट इशू होता है बिजली ऑफिस, उसमें हमें सिक्योरिटी के और सप्लाई बोर्डिंग के पैसे जमा करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन होगा हमारा 2500 रुपये का। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सप्लाई होल्डिंग चार्जेस पे। तो सप्लाई होल्डिंग चार्जेस हमें जमा करने होंगे 1020 रुपये। अब ये सप्लाई होल्डिंग चार्जेस क्या होते हैं, देखिए जो हमें कनेक्शन बिजली घर से ले रहे हैं वो लाइट हमारे घर तक पहुंचाने के लिए जो बिजली घर का खर्चा होता है, या ये समझ लें आप एक तरीके से कि वो लाइन को एक्सपेंड करने का जो खर्चा होता है वो ये खर्च होता है। तो ये पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलते कभी, ये बिजली ऑफिस में ही जमा होंगे, उन्हीं के पास है। 1020 रुपये वो हम दे देंगे। और फिर अब हम जमा करने होंगे हमें सिक्योरिटी का पैसा। सिक्योरिटी देखिए आपकी ये समझिए 1000 रुपये पर किलोवाट होती है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है मगर मिनिमम 1000 रुपये रहेगा। तो 1 किलोवाट का 1000, तो 3 किलोवाट का 3000 रुपये हमें सिक्योरिटी जमा करना है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा 2500 रुपये, 1020 हमारा सप्लाई फोर्डिंग हो गया, और 3000 रुपये हो गया हमारा सिक्योरिटी अमाउंट। तो ये तीनों चीज़ मिला के हमें 6520 रुपये जमा करने होंगे। और अभी स्किप मत करिएगा, मैं एक बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें आपका पैसा बच भी जाए। तो 6520 रुपये हम जमा करेंगे, और जैसे ही आपका कनेक्शन सर्व होगा, जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आप पे करो, मान लो 2500 रुपये आप दिए हो, वो पूरा आपके बिल में रिटर्न हो जाए। मतलब वो 2500 रुपये आपके बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे पहले ही बिल एडजस्ट कैसे होगा, तो देखिए वो बिल आपका माइनस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के जमा है, और इस फर्स्ट बिल आया वो आपका 500 रुपये का है, तो वो बिल आपको फिर पे ही नहीं करना पड़ेगा, वो 2500 में से वो पैसे कम हो जाएंगे, और फिर आपका बिल जो शो होगा वो माइनस में 2000 रुपये शो होगा। तो आपको इस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन का पैसा भी वापस मिल जाएगा, और फिर सिक्योरिटी का तो आप जब बंद कराएंगे वो मिल ही जाना है आपको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक सप्लाई होल्डिंग का पैसा जो है वो बिजली घर के पास रहे। तो आशा करते हैं जानकारी आपके लिए लाभदायी होगी। हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, चैनल नया है मगर फिर भी ठीक है सब्सक्राइबर, मगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।